to see the light. See the light. Hey guys, this is me, Alice Swift. Welcome back to my channel, and I'm back with another vlog. So, आज मेरा vlog होने वाला है बहुत different. आज मैं एक फैमिली डे आउट है और स्पेशली आज का पूरा वीडियो जो है डेडिकेटेड होगा हमारी आरना के लिए, बिकॉज आज है इसका बर्थडे. सो हैप्पी बर्थडे. और आज बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो में आने वाले हैं. एक किसू उधर घूम रहा है और एक पार्क है जिससे आप पहली बार मिल रहे हो. ये भी मेरा क्या लगेगा ये नेफ्यू है. और यहाँ पे मेरे स्टोरीज में देखते हैं, इधर आ जा और उधर में बदमाशी कर रहा है किसी और मेरी. आ जाओ. वो किसी और ही धुन में है. और यहाँ पे मेरी दी को आप जानते ही होंगे, काफ़ी सारे लोग मेरी दी को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं इंस्टा पे, तो उसके लिए थैंक यू. हाँ, और काफ़ी लोगों को प्रोफाइल पसंद भी आ रहा है, सो ऐसे सपोर्ट करते रहिए मेरी दी को भी. एंड यस, आज हम थोड़ा सा फन डे होने वाला है. पता नहीं, अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि क्या करेंगे, बट सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ शॉपिंग कर ले. तो हम आ गए हैं जूडियो. जूडियो आप मेरे यहाँ देख सकते हैं. जूडियो में आ गए और हम अंदर चलेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद बच्चे हैं तो खाना पीना तो होगा ही. सर्च करने के बाद आरना को फाइनली ये एक पसंद आ गया है. तो मेरे तरफ से ये इसका गिफ्ट है. और अब हम यहाँ से चलेंगे PNM मॉल, वहाँ पे घूमेंगे और कुछ कुछ लेंगे और खाएंगे. और इधर में पार्क भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं. हमने जूडियो से शॉपिंग कर ली, जो भी आरना को लेना था वो लेने के बाद हम लोग पहुंच गए PNM मॉल, बिकॉज पार्थ यहाँ पे पहली बार आया है. सो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा है. अच्छा है ना? हाँ, लुक में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना. हाँ, तो ये तो पट्टा में रहता है, तो फाइनली ये भी आ गया. बाकी सब लोग को तो पता है, पिछले वाले ब्लॉग में भी आपने देखा हुआ है. और बर्थडे गर्ल है ये. हम लोग चलते हैं अंदर. मैं तो सोचती हूँ कि बच्चे कैसे हैंडल करती होगी दी. मेरा किसो लिटरली इतना परेशान कर रहा है. मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को. और पार्क तो शॉपिंग करने में बिजी है. यहाँ हालत खराब हो रही है हमारी. क्यों? भागते रहता है ना, दिमाग खराब. अभी लिटरली हमें लगा कि वो गुम हो गया, बाहर जाके देखना पड़ा है फिर हमें. और वो है यहीं पे, पर इसकी शैतानी आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो. सो गाइज, ऊपर ट्रेंड से शॉपिंग हो गई. और अभी बहुत फनी सा सिचुएशन है, आप देख सकते हो. सभी लोग बैठे हुए हैं इधर इधर और वहाँ पे. दिखाऊं, इधर दीदी बैठी हुई है वहाँ आगे, वो सबसे आगे किसू. और उधर में देखेंगे वहाँ पे. सब लोग थक चुके हैं एक्चुअली, बट अभी शायद. और चल चल के भी. हाँ, और किसू की बदमाशी की वजह से भी सब थक गए हैं. शॉपिंग करने के बाद बच्चों के डिमांड हुए यहाँ पे, जो काफ़ी सारे प्यारे प्यारे गेम्स होते हैं. तो
यहाँ पे बच्चों ने डिसाइड किया है कार राइड का, मतलब कार राइड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो फिलहाल अभी किस्सू इंजॉय कर रहा है। दो बच्चों ने तो उन लोगों की वजह से इनका भी, बिकॉज एक अच्छा पैकेज है, आप एक पर्सन करते हो तो आई थिंक 70 रुपीज़ का लगता है टिकट, बट छः आप एक बार में करते हो, छः जगह घूम सकते हो 300 में, तो कुछ पैसे बच जाते हैं, तो मैंने वो वाला करवा दिया 300 में, और 6 किसी भी उस पर कर सकते हैं, तो ये दोनों अपना झूल लेंगे और इन दोनों को भी देखेंगे, किसी में पसंद आ जाएगा तो वहाँ पे झूल लेंगे ये लोग। गोलगप्पे और हम पहुंच गए हैं मॉन्जनीज और केक लेने।
किया है, आप अपना खाना इंजॉय नहीं कर सकते, लिटरली सब के खाने खाली होने वाले हैं और मैंने बहुत मुश्किल से एक स्लाइस कंप्लीट किया है। तो मतलब पता नहीं ये लोग कैसे बच्चे को झेलते हैं। दूर से प्यारे लगते हैं, पास में नहीं। वैसे एक बात बताती हूँ, लापिनो पिज़्ज़ा की ना रेट भी बहुत सही है और टेस्ट बहुत अमेजिंग है। हमने आई थिंक जो एवरेज जो रेगुलर साइज पिज़्ज़ा होता है वो लिया है। बेस इतना मस्त क्रिस्पी है ना इसका और टेस्ट अमेजिंग है। और यहाँ पे दी आना सॉरी अमायरा दी और किशु ने हमारी हालत ख़राब कर दी। हमारा प्लान है नेक्स्ट टाइम से हम कभी भी इसको लेके नहीं आएंगे।